गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, तो यूनिट हम लोग जान रहे हैं कॉम्पिटेटिव ऑपरेशन चल रहा है। कॉम्पिटेटिव ऑपरेशन कॉम्पिटेटिव ऑपरेशन एंड जो टॉपिक जो मेरा है वो प्रेसिंग ऑफ कॉम्पिटेट डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, depositing the concrete in required position in its position required position start as termed as placement of प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट मतलब छोड़िए, पहले प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट को भूल जाता है, पहले होता है प्लेसिंग, मतलब किसी कोई वस्तु अगर कहीं पर रख रहा है उसी को रखना है ना। प्लेसिंग मतलब कोई भी वस्तु अगर किसी जगह पर रखा जा रहा है उसका मतलब वहां पर रखा जा रहा, प्लेस किया जा रहा है, रखा जा रहा है, वही होता है। तो भाई अगर कंक्रीट को रख देंगे तो वही कंक्रीट का भी वही चीज होगा, वो भी तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसे भी तो कहा जा सकता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। यही है द प्रोसेस ऑफ, जिस प्रक्रिया से डिपोजिंग द कंक्रीट, जिस प्रक्रिया के थ्रू कंक्रीट को किसी स्थान पर डिपोजिट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डिपोजिटिंग मतलब इकट्ठा करना, किसी जगह पर इकट्ठा करते हैं जितनी हमको आवश्यकता है, अपने आवश्यकता अनुसार कंक्रीट को किसी भी जगह पे इकट्ठा करना, वो कहलाता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है हमारा। तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग द कंक्रीट इन इट्स रिक्वायर्ड पोजिशन इज टर्म्ड एज द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। तो यही प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट है हमारा, ये डिफिनेशन था। अब आगे देखते हैं और सब सारी चीजें एक डिटेल के बाद है। टू अचीव प्रॉपर प्लेसिंग Following rules should be kept in mind. To achieve proper placing, the following rules should be kept in mind. पहला क्या है? मतलब प्लेसिंग के समय कौन कौन सी सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए, कंक्रीट को प्लेस करते समय किस किस तरह की सावधानियां को हमको बरतनी चाहिए, वो सारी डिटेल इस टॉपिक में आ रही है, इसके टॉपिक के अंदर आएंगे। पहला देखते हैं, द कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म लेयर, नॉट इन लार्ज हिप, और स्लोपिंग ग्राउंड और स्लोपिंग लेयर।
ठीक है, द कॉन्क्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, शुड बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म लेयर, मतलब एक ऐसे लेयर की तरह इसे रखेंगे, एक लेयर की तरह भी बनाएंगे, ठीक ना, एक लेयर ऐसे इस लेयर यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म लेयर में ऐसा नहीं कि कॉन्क्रीट इस तरह रखेंगे, ऐसे रखा हुआ है, फिर ऐसे रखा हुआ है, फिर ऐसे रखा गया, अलग अलग लेयर रखे हुआ, ये लेयर में फॉर्म होना चाहिए, हमको एक ही सेटअप कराना चाहिए, एक ही फॉर्म में ऐसा रहना चाहिए कॉन्क्रीट, ये हमारा ये कंडीशन ऐसे होना चाहिए कॉन्क्रीट रखना चाहिए, ये प्रोसेस तो आज सही टेक्निक होता है कॉन्क्रीट को रखने के लिए। और नेक्स्ट सेकेंड हाफ में इसमें क्या कहा जा रहा है, नॉट इन लार्ज हीट पर टीला, ऐसे कोई टीला में नहीं रखेंगे, किसी टीला का भी बहुत ज्यादा टीला कॉन्क्रीट समय तक बहुत ज्यादा समय तक कॉन्क्रीट नहीं रखा जाता, 40 से 45 मिनट तक कॉन्क्रीट रखा जाता है, कॉन्क्रीट आधे घंटे के बाद जो होता है प्लास्टिक स्ट्रेस से हार्ड स्ट्रेस में आने लगता है, इसलिए हार्ड प्लास्टिक स्ट्रेस से फ्रेश स्ट्रेस से हार्ड स्ट्रेस में आने लगता है आधा घंटा के बाद, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बहुत जगह टीला बना के नहीं उसको रखते, हम उतना ही रखते जो उतना हमको यूज है उसका, जो आधे घंटे के अंदर जो मैं यूज करूंगा उतना ही क्वांटिटी रखूंगा कॉन्क्रीट का, कहीं तो कोई टीला बना के ऐसे नहीं रखेंगे, ना ही कोई स्लोपिंग ग्राउंड में ऐसे स्लोप में रखेंगे, ऐसे स्लोप में भी नहीं रखेंगे हम, ऐसे भी टीला बना के ये भी नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे हम कैसे कहीं पे अगर कॉन्क्रीट रखेंगे तो आप इस शेप में रखेंगे, ये राइट शेप हमारा, तो ये कॉन्क्रीट रखने का हमारा तरीका है। पहला हमें जब पहले प्रोसेस हुआ, पहला स्टेप कैसे रखना चाहिए, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, सेकंड पॉइंट द थिकनेस ऑफ लेयर शुड बी शुड थिकनेस ऑफ लेयर शुड बी compatible with the method of compatible with method of vibration so that entire layer can be removed from concrete. Thickness of the large thickness of the layer should be compatible with method of vibrator. Compatible with compaction. दबाव देना, कॉम्पैक्शन उसको दबाया जाएगा, जो लेयर है जो थिकनेस लेयर है जो लेयर रहेगी किसी लेयर की या किसी बीम में या कॉलम में या स्लैब में जो डाले हैं तो एक लेयर के रूप में होगी, एक लेयर जैसे ही रहती है, एक लेयर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, क्योंकि एक के बाद डाला जाता है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा कॉन्क्रीट डाल दिया जाता, ऐसा तो नहीं, कुछ टाइम कहीं पर कुछ जैसे कॉलम आया तो पहले 2 मीटर भरा जाएगा, पहले 2 फीट भरा जाएगा, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, ऐसे इतने बढ़ते बढ़ते भरा जाता है, ऐसे नहीं कि एक ही बार कॉन्क्रीट डाल देते पूरे फीट डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय भरते रहते हैं, क्योंकि हर लेयर में कॉम्पैक्शन चाहिए होता है, हर लेयर में कॉम्पैक्शन चाहिए होता है, कॉम्पैक्शन क्या होता है ये भी बता रहा हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका है कॉम्पैक्शन क्या होता है, एयर इंटेंट क्या होता है, सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हर लेयर पे कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, क्यों कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, क्यों हर लेयर पे कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, किस चीज से कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, वाइब्रेटर से करना पड़ता है ना, और किस लिए करना पड़ता है, एयर इंट्रेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम कॉन्क्रीट, एयर इंट्रेंट जो उसमें इसके अंदर कॉन्क्रीट के अंदर जो एयर है जो बबल्स है उसको बाहर निकालने के लिए कॉम्पैक्शन किया जाता है, तो ये तो क्लियर हुआ आपका, थिकनेस ऑफ लेयर शुड बी कॉम्पैटिबल विद द मेथड ऑफ वाइब्रेटर, वाइब्रेटर मेथड से कॉम्पैक्ट किया जाता है, दबाया जाता है, क्यों दबाया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, क्योंकि एयर इंट्रेंट निकालने के लिए, क्यों हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट था हमारा कॉम्पैक्शन से रिलेटेड, कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है,
अब हम नेक्स्ट आते हैं ईच लेयर, ईच लेयर शुड बी फुली कॉम्पैक्टेड, फुली कॉम्पैक्टेड बिफोर प्लेसिंग द नेक्स्ट वन। मतलब कि मैंने बता दिया हर लेयर को पहले मैंने इतना कंक्रीट फिल कर लिया, सपोज 3 फीट तक कंक्रीट मैंने फिल कर लिया है, तो यहां से पूरा कॉम्पैक्शन कर देंगे। जब तक यहां तक एक लेयर की कॉम्पैक्शन नहीं, वाइब्रेटर कॉम्पैक्शन यूज नहीं होगा, तब तक सेकंड लेयर में फिल नहीं करेंगे। समझ आया? क्योंकि अगर यहां तक की अगर इसमें बबल्स ये रह गए, इस जोन में अगर एयर बबल्स रह गए, तो इस जोन पर अगर वाइब्रेटर करने से बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा बट ये तो नीचे का वीक हो जाएगा। तो मतलब हर लेयर पे हमको वाइब्रेटर करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि चल जाएगा, नहीं कंपल्सरी है। नेक्स्ट कोलाइजन बिटवीन कॉम्प्लीट एंड कॉम्बर, कोलाइजन बिटवीन कॉम्प्लीट एंड कॉम्बर और एनफोर्समेंट should be not happen to avoid, should be not happen to avoid segregation. एक टर्म आपने कभी देखा, प्रैक्टिकली देखा होगा, जो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा जो स्लैब या बीम या किसी चीज की ढलाई हो रही है, स्लैबिंग हो रही है, बीम या ढलाई चल रही है, उस केस में लोग क्या करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं। तो उसमें एक पॉइंट ये कर रहा है, कोलाइजन बिटवीन कॉन्क्रीट एज फॉर्मवर्क, कोलाइजन बिटवीन कॉन्क्रीट एज फॉर्मवर्क और रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी हैपन टू अवॉइड अवॉइड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब गिट्टी का कॉन्क्रीट स्पेस से गिट्टी का निकल जाना सेग्रीगेशन होता है। सपोज ये क्या करा, इसका ये कहने का मतलब जब आप वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो उस समय वाइब्रेटर को सरिये पर ना लगाए, मतलब सरिये पर रखे ऐसे नहीं, बीम का या स्लैब का जो सरिया है उस पर रख करके वाइब्रेटर चलाए, नहीं, वाइब्रेटर हमेशा कॉन्क्रीट पर रहेगा, फॉर्मवर्क पे भी नहीं रहेगा, जो किनारे पर जो साइड लगाते हैं प्लाई की या लकड़ी की जिस चीज की भी साइड रहती है तो उस पे भी रखे वाइब्रेटर नहीं चलाएंगे, अगर उस पे रखकर वाइब्रेटर चलाएंगे तो ये सेग्रीगेशन आएगा ही आएगा। तो हमें सेग्रीगेशन से बचाव करने के लिए ऐसा नहीं कि जब कंक्रीट जब प्लेस कर रहे हैं बस उसी टाइम सेग्रीगेशन आएगा, उसके बाद भी वाइब्रेटर से अगर ये वाइब्रेटर अगर रेनफोर्समेंट पे चला दिए, लोहे सरिये पर अगर चला दिए वाइब्रेटर या फिर फॉर्मवर्क पे चला दिए तो क्या होगा, वो हमारा सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा। और चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सारे टर्म जो है ना, सारे के सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म कॉन्सेप्चुअल है और एक एक पॉइंट से हर पॉइंट से हर शब्द से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। ये जो लास्ट टॉपिक हमारी जो डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर डीप सेक्शन लॉन्ग नॉन पाइप, अगर सोच रहे कहीं ऐसा है जहां पे कंक्रीट काफी दूर तक ले जाना, काफी दूर मतलब ज्यादा गहराई तक, 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर तक गहरा, अगर 10 मीटर गहराई तक लेके जाना है,
वहाँ कंक्रीट फुटिंग में पहुंचे से उनको कंक्रीट फुटिंग में डालना है, फाउंडेशन में कंक्रीट हमको अगर डालना है तो डायरेक्ट कंक्रीट में कौन करवाएगा? नहीं, अगर डायरेक्ट कंक्रीट अगर हम काम करवाएंगे तो क्या होगा पता है? सेग्रीगेशन हो जाएगा या तो ब्लीडिंग होगी, दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो उस केस में एक पाइप पाइप का यूज करेंगे, पाइप को मटेरियल जो वहां पर सप्लाई करेंगे एक तरह का पाइप का यूज कर सकते हैं, छोटा जिसका टायर थोड़ा ज्यादा हो, 100-200 mm का टायर का पाइप हो ताकि कॉन्क्रीट आसानी से उसमें फ्लो कर जाए, वो भी हम यूज कर सकते हैं कॉन्क्रीट को प्लेस करने के लिए। तो ये सारे पहले भी कॉन्क्रीट को प्लेस करने के लिए मतलब कॉन्क्रीट को कैसे प्लेस किया जाता है, तो कैसे प्लेस किया जाएगा तो हमारे यूज के लिए सुटेबल होगा, नहीं तो कॉन्क्रीट में अगर सेग्रीगेशन आ गया तो हमारे सुटेबल यूजफुल यूजफुल नहीं रहेगा। अब फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग अटेंशन ड्यूरिंग प्रेसिंग, फॉलोइंग स्पेशल पॉइंट्स पॉइंट्स अटेंशन ड्यूरिंग प्रेसिंग, मतलब प्रेसिंग के समय कुछ काफी कुछ सावधानियां बरतने वाली कुछ पॉइंट से बता रहा हूं। पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट द कॉन्क्रीट एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स फाइनल पोजिशन, मतलब डिपोजिशन डिपॉजिट द कॉन्क्रीट एज नियर एज पॉसिबल टू द फाइनल पोजिशन, मतलब फाइनल पोजिशन से जहां मुझे यूज करना है उसे फाइनल पोजिशन से मतलब कोशिश करें नजदीक से ही नजदीक रहे, नजदीक जितना नजदीक रहे उतना बेटर होगा, हमारा समय भी बचेगा और कंक्रीट जो है प्लास्टिक स्ट्रेन से हार्ड स्ट्रेन में भी नहीं आ पाएगा, समझ रहा है ना? इससे जरूरत होगा ताकि कंक्रीट आधे घंटे के बाद प्लास्टिक स्ट्रेन से हार्ड स्ट्रेन में आने लगता है, सेट होने लगता है, उस लिए क्या किया जाता है उसको कि जल्दी 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 यूज किया जाता है, ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा तो फिर वो कॉन्क्रीट हमारा सेट होने लगेगा, एक बार कॉन्क्रीट सेट होने के बाद उसको यूज नहीं किया जाता है। सेकेंड डिपॉजिट कॉन्क्रीट इन horizontal layer and compact each layer in a continuous operation कॉम्पैक्ट इस लेयर थ्रोली बिकॉज द नेक्स्ट लेयर इज प्लेस्ड, डिपोजिशन कॉन्क्रीट इन हॉरिजॉन्टल लेयर, कॉन्क्रीट को जो डिपोजिशन डिपोजिट करेंगे मैंने बताया था वो हॉरिजॉन्टल लेयर में करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करेंगे, एंड कंपोज कंपेयर इच लेयर थ्रू बिफोर द नेक्स्ट लेयर इज प्लेस्ड, मतलब नेक्स्ट लेयर जब हम नेक्स्ट लेयर का प्लेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट यहां पे जैसे कॉन्क्रीट हमको छत डाला, छत की डाला यहां से मैंने कॉन्क्रीटिंग कर दिया, तो यहां से कॉन्क्रीटिंग की
ये पोर्शन कंप्लीटिंग की कंप्लीट हो गया, तो यहां वाइब्रेटर यूज करेंगे। जब तक यहां वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये नेक्स्ट लेयर नहीं परफॉर्म करेंगे, यही मतलब है। चलेंगे मेरा यही मतलब। मेक ऑफ कॉन्क्रीटिंग कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस टू अवॉइड अनसाइक्लिक लिफ्ट planes in the finishing structure. Make concreting continuous. Concreting को जो होता है continuous किया जाता है। ताकि जो फिनिशिंग करते समय कोई क्रैक्स या कोई एक अलग लेयर ना दिखे, मतलब जब कंक्रीट को जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंटिन्यूअस करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आज किए थोड़ा सा आज किए फिर थोड़ा कल करेंगे थोड़ा, मतलब कुछ सेक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि कंक्रीट को जब भी अगर कोई प्रोसेस कर रहा है ना, तो अगर एक कॉलम की ढलाई कर रहे हैं तो एक कॉलम एक दिन में आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आधा आज किए आधा कल किए कल करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। ये लेयर बाय लेयर वाइज वहीं पर चलता है जहाँ पे, या तो बहुत बड़ा ये जो टैंक होती है हमारी कंक्रीटिंग टैंक होती है, जैसे कंक्रीट का टैंक होता है, वाटर टैंक वाटर स्टोरेज टैंक होता है, उस सेक्शन में हम कर सकते हैं। लेकिन कॉलम में बीम में स्लैब में हम इस सब में क्या करते हैं स्टेप, ये लेयर बाय लेयर नहीं करेंगे, एक लेयर आज की एक लेयर नेक्स्ट करेंगे, ऐसा करने से हमारा सीपेज का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करते हैं ना कि ऐसे की केस में जो कंक्रीटिंग हो जा रहा हो कंटिन्यूअस हो लगातार। नेक्स्ट कॉन्क्रीट शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल fall freely more than 1.5 meter, मतलब 1.5 meter से ज्यादा हाइट से कंक्रीट को नहीं गिराना चाहिए। लास्ट हमारा लिमिट है 1.5 meter लिमिटेड एयर, इससे अगर ज्यादा अगर हाइट से कंक्रीट को गिरा है तो सेग्रीगेशन आ जाएगा। तो सेग्रीगेशन को अवॉइड कर लेंगे, हाइट भी मेंशन है, हाइट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पेशल स्टर्न है कि कहाँ कहाँ पे इनको प्लेसिंग के समय ध्यान देना चाहिए। ये जो टॉपिक थी ये मैंने आपको समझा दी पूरी। तो ये स्ट्रेंथ ये था हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में, आगे तो और बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके लेवल की जितनी चीजें हैं ना हमें वो भी ध्यान रख करके पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आपके लेवल से बहुत ज्यादा अगर चला जाऊंगा, चीजें तो बहुत हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये लास्ट है इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो बहुत सारी इंजीनियरिंग तो स्टार्ट होती है इसके बाद तो। लेकिन मैं उतनी ही चीज आपको बता सकता हूँ जितने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए या आप जितनी चीजों को समझ सकते हैं, आपके यूज का ही चीजें मैं बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं बताऊंगा, उसे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको भी समझने में दिक्कतें होंगी क्योंकि वो आपको फिलहाल कोई जरूरत उसकी ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं, मार्केट में कई तरह की बुक्स जो आ रही है वो प्रीफर कर सकते हैं आप उसको। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।